एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पावर एक इंक्रीज होगी तो पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स। एक्स टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा दिवेश? सर इसका रहेगा -1/2 -3/2 रहेगा। माइनस हाफ का पावर इंक्रीज करते हैं, पावर एक बढ़ाते हैं, हाँ यस, पावर क्या बचेगी 1/2, वन बाई हाँ अच्छा 1/2, हाँ डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 e टू द पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। टू बाई थ्री एक्स टू द पावर 3/2 लॉग ऑफ एक्स 2√x। कार्तिक क्यों नहीं आया, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों। कैसे होगा ये, पहले हॉल स्क्वायर ओपन कर देंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, यस हो गया, ठीक है, हो गया सभी का, हाँ सर। ये क्वेश्चन करो बच्चों,
फाइव बाय एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे बेटा, 5 अपॉन x² को 5 x^-2। अर्जुन समझ आया बेटा? यस सर। बताओ x² का बताओ। हाँ हो गया सर। सर, 5x² का 5x^-2 करेंगे। तो ये सर x^-3 आएगा डिवाइडेड बाई -3 + c। हाँ दिवे, नहीं, -1 होगा ना दिवेश? हाँ जी सर। -1 आएगा ना। हाँ हाँ यस सर, -1। x^2 को ऐसे भी छोड़ सकते हो या रूट में भी लिख सकते हो। माइनस ये हो जाएगा 5 अपॉन x + c। चले बच्चों आगे। यस सर। नेक्स्ट इज कर लोगे ऐसे सम। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे इंटीग्रेशन ऑफ x^(n)dx। बताओ क्या था इंटीग्रेशन ऑफ x^(n)dx? क्या था? x^(n) n+1 upon n+1 + c। इंटीग्रेशन ऑफ e^(x)dx क्या था? बोलो। ex+c। e^(x)dx क्या है, क्या होता है? e^(x)ln(a) वन अपॉन प्लस x^(dx) क्या है? log ऑफ मॉड ऑफ x+c। दिस ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस सी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स का भी रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स क्या होता है? टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स, सॉरी माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा?
secant x into tan x क्या होता है? cosecant x into dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cosecant x plus c. साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? कॉस एक्स. ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स. सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी. कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी. सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा? सेकेंड एक्स होगा. कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट का क्या होगा? माइनस ऑफ कोसेकेंड एक्स होगा. ठीक है, याद रखोगे. चलिए आगे. इंटीग्रेशन इसका बताओ. सर ये क्वेश्चन है. हाँ क्वेश्चन है. ब्रैकेट खोल दूंगा. हाँ इसमें ब्रैकेट खोल देंगे बच्चों. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर उसमें टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तब क्या करोगे? सिंगल टर्म में तो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, इसमें क्या करोगे? बताओ जरा. सर वो फैक्टराइज कर देंगे. और है क्या फैक्टराइज? मान लो फैक्टराइज कर दिया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस आ गया मान लो, तो क्या करोगे? सर फिर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस नहीं नहीं कर पाएंगे सर. नहीं कर पाएंगे ऐसे. ओ अलग टर्म्स में डिवाइड क्या करेंगे बताओ जरा. बताओ बच्चे, जब भी आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो? ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर किससे बड़ी हो? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. तो क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ठीक है तो लॉन्ग डिवीजन और नॉर्मल डिवाइड करना. अच्छा ठीक है, ठीक है सर. ठीक है करो डिवाइड. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाओ बच्चों यहाँ पर.
ये समझ आया बच्चों? कैसे हुआ? इस टर्म को आप ये लिख सकते हो, कैसे कैसे लिखा? सर जो टर्म नाइन को आप टू से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? एट आएगा, रिमाइंडर वन आएगा, तो नाइन बाय टू को क्या लिखा जा सकता है? यस सो वो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ही आएगा। अच्छा टू था यहाँ पे, टू एक्स हो जाएगा। देखो बच्चा, नाइन बाई टू को क्या लिखा जा सकता है? क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशेंट प्लस कोई भी फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू, उसको क्या लिखो? क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जो भी उसका डिवाइजर हो, कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको लिखोगे क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, ये मेथड होता है लिखने का। जैसे नाइन बाई टू को लिखोगे आप फोर प्लस हाफ, ओपन करेंगे तो ये वापस नाइन बाई टू ही बनेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का मेथड क्या होता है? क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये हो गया क्वोशेंट, वन माइनस वन हो गया रिमाइंडर, और डिवाइजर हो गया एक्स प्लस वन। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो गया, टू का इंटीग्रेशन किया तो टू एक्स हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन हो गया, प्लस में सी हो गया। वन अपॉन एक्स बच्चों वन अपॉन एक्स की तरह ही काम करेगा। जैसे वन अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, सर वो माइनस सी नहीं होगा क्या? माइनस सी हो सकता है, क्योंकि वहां पे अगर माइनस होल है तो वो माइनस ही नहीं होगा। सी प्लस में ही लिखा जाता है भाई, माइनस टू कॉन्स्टेंट का मतलब माइनस टू, माइनस टू माइनस और टू को एक नया कॉन्स्टेंट लिख दिया सी। ठीक है, कार्तिक आज बस सी के पीछे पड़ गया है ना। कार्तिक आज कार्तिक क्या सर आज कार्तिक सी के पीछे लग गया है सर। सर मैंने ऐसे रैंडम में फिर डाल गया सी, कुछ सेंस कुछ है तो बस नहीं। ऐसे लिखना आपको भी ऐसे ही लिखना है प्लस सी। ठीक है सर, ठीक है ना। एक्सरसाइज निकालो, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो बच्चों। देखो आधे घंटे में एक्सरसाइज खत्म करनी है बच्चों, 100 की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल के इंटीग्रेट कर दो, होल स्क्वायर खोलो और इंटीग्रेट कर दो बच्चों। और स्क्वेयर खोलेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वेयर करेंगे एक्स हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वन बाई रूट एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो वन बाई एक्स आएगा, माइनस टू ए बी टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में टू आएगा। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, अकेले टू का इंटीग्रेशन होगा टू एक्स। सर यस सर सेवेंथ में होल स्क्वायर नहीं है? मैंने टेंथ क्वेश्चन कर दिया, चलो पहले टेंथ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज आप सेवन पे आ जाओ। चलो
एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। फटाफट ब्रैकेट खोलो बच्चों और इंटीग्रेट कर दो। हो गया सर। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा? ठीक है बच्चों, एट क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर हम कांस्टेंट के ले लें जो एन प्लस होगा, ये लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में सी है। देवेश? यस सर। हो रहे हैं? हाँ जी सर हो रहा है। करो बच्चों जल्दी करो फटाफट। चलें आगे। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर ये x क्यूब बाय 3 होएगा वहां पे, ये x क्यूब नहीं होना चाहिए, ये x क्यूब बाय 3। अच्छा x क्यूब बाय 3 होगा, ठीक है शाबाश। एट हो गया बच्चों, चलें 9 पर। नाइन्थ क्वेश्चन करो बच्चों।